प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ नेपाल में और ये मुक्तिनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ नेपाल में ये दूसरा मंदिर है। 4 साल में नेपाल का यह तीसरा दौरा है। कल जनकपुरी में सीता माता के दर्शन किए थे और वहां से बस सेवा की शुरुआत हुई थी जो अयोध्या से जनकपुर को कनेक्ट करेगी। और आज ये मंदिर नंबर 2, हालांकि टेंपल रन जो है वो यहाँ कर्नाटक में भी बहुत हुआ है। डॉक्टर गीता, मेरी आवाज आप सुन पा रही है? ये जो टेंपल रन है ये कर्नाटक में भी बहुत हुआ है। मठ रन, टेंपल रन, इसे जो भी नाम देते हैं आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवृत्ति रही है, ये गुजरात का जो चुनाव हुआ उसमें भी रूबिका जी हमने ये चीज देखी कि राहुल गांधी जी किस तरह चुनावी उन्होंने जो है जनेऊ किस तरह से धारण किया था। और आप यहाँ देखिए, मैं एक बात जो है आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी अपनी कोशिश करी कि किस तरह से हिंदू समाज को विभाजन किया जाए। लिंगायत का जो मुद्दा है उसको उठाकर उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की इस चीज़ की, लेकिन उन्हें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है, कि उससे भी उन्हें कोई फायदा होता दिखता नहीं रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके जो प्रत्याशी हैं और उस संगठन का भी सहयोग ले रही है। और वो तस्वीरें भी आई थी डॉक्टर गीता भट्ट, वो तस्वीरें भी आई थी कि किस तरह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ना सिर्फ समर्थन बल्कि SDPI के कुछ नेताओं के साथ भी बैठे नजर आ रहे थे। विड्रॉ कर लिया है जी डॉक्टर, 2 या 3 प्रत्याशियों को ही खड़ा किया है उन्होंने। ठीक है, वो आप कह रही अंडरस्टैंडिंग SDPI PFI के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सबसे बड़े संग्राम का आगाज हो चुका है। आपको बता दें 8 बज चुके हैं, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, 1 घंटा हो चुका है वोटिंग, 11 घंटे कुल वोटिंग वोट पड़ेंगे, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और कर्नाटक का जो चुनाव है इसकी धमक 2019 तक ही सुनाई देगी। दशा और दिशा एक तरीके से देश की राजनीति की तय आज होने जा रही है। आप कुछ सेकंड्स का ये ब्रेक है, ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं होने वाला है। 8 बजे जब हम लौटेंगे तब जाति बांटो वोट काटो की जो ये कांग्रेस नीति है ये फेल होगी इस बार या पास होगी, इस पर चर्चा होगी। कुछ और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन जल्द लौटेंगे। और फिर जैसा मैं कह रही हूँ, कर्नाटक वोटिंग #कर्नाटका वोटिंग पर आप अपनी राय रख सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं, लौटेंगे जल्द। और 15 मई को जरूर देखेगा सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार 15 मई। लेकिन जाने से पहले देखिए, हमें जो तस्वीरें नेपाल से मिल रही है वो आपको दिखानी चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मुक्तिनाथ मंदिर जो है मस्तांग जिले के पहाड़ियों की तराई में स्थित मस्तांग जिले में जो मुक्तिनाथ मंदिर है, मुक्तिनाथ टेंपल, वहां पर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये ऐतिहासिक मंदिर है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आज दूसरा दिन है नेपाल दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उधर कर्नाटक में वोटिंग हो रही है। मुक्तिनाथ के भाव से ही हो रही है, मुक्ति मिलेगी आज। ये देखिए, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये मंदिर है मस्तांग जिले में मुक्तिनाथ मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नजारा, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये मुक्तिनाथ मंदिर। और उधर कर्नाटक में भी खूबसूरत नजारा है आज, वहां पर भी लोग सुबह से वोट कर रहे हैं, 222 सीटों पर वोटिंग हो रही है और यहां मुक्तिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीजेपी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत, सवाल यही है कि 4 साल के कामकाज को लेकर आज कर्नाटक वोट डालने जा रहा है। कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, नेपाल में मोदी की पूजा चल रही है, नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, खूबसूरत इलाका है, बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और उसके बीच स्थित मुक्तिनाथ का ये मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। हालांकि अभी तो चूंकि वो पहाड़ पर स्थित है तो ये वहां का नजारा देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवशीष जररिया यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आपसे कुछ ही देर में आपको नजर आने वाले हैं।
लेकिन आपको ये बता दें कि वहाँ कर्नाटक में किन चीजों को लेकर वोटर्स चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और ये नेपाल दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल जनकपुर मंदिर गए थे, वहां से बस सेवा का आगाज किया गया। बताया जा रहा है सुबह 9 बजे जो है अयोध्या पहुंचेगी बस। पूरी तरीके से तैयार थे ब्रेक लेने के लिए, लेकिन तस्वीरें ऐसे आई कि अब हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हमने ब्रेक नहीं लेने का फैसला किया है। ये जूते उतारे शहजाद पुनावाला, देखिए आपके मुक्तिनाथ मंदिर। मोदी जी हमेशा एजेंडा चेंज कर देते हैं, चाहे चैनल का हो चाहे देश का हो। और देवाशीष भाई आए, वो बोलना शुरू कर, उससे पहले उनको रिमाइंड कराओ कि उनकी बहन जी ने जेडीएस के साथ टाइप किया, क्योंकि यहाँ आते वो कांग्रेस की प्रवक्ता बन जाते हैं। कांग्रेस को वैसे भी 3-4 प्रवक्ताओं की जरूरत होती है, दो का मुकाबला एक का मुकाबला करने के लिए। तो मैं उनको याद दिला दूं कि बहन जी ने जेडीएस का हाथ थामा। कर्नाटक में यही तो हुआ है, देखिए मंदिर, मठ, टेम्पल रन, जाति, लिंगायत, वोकालिगा, कुर्बा, आप जो चीज सोच सकते हैं वो कर्नाटक में हो गई है। लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं है, क्योंकि ये कर्नाटक की जनता है बहुत अलग किस्म से वोट करती है। दक्षिण मुक्त भारत जनता पार्टी हो गई। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। अमन सिन्हा, ये गैर लोकतांत्रिक सोच है, ये गैर लोकतांत्रिक सोच। और आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत वो लोकतांत्रिक कल्चर का दक्षिण जनता पार्टी वो गैर लोकतांत्रिक। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होना चाहिए देश को, तो फिर उसके लिए जो लोग जो अध्यक्ष बचाने के लिए उनको वो पार्टी को पहले मुक्त करो। कौन से पार्टी के नेशनल अध्यक्ष एक बात कॉन्विक्ट हो गए जेल में गए? बंगारू लक्ष्मण, ये मात्र एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष जो कॉन्विक्ट हो गए जेल में। आपका क्विज और कॉन्टेस्ट चलता रहेगा। एक सेकंड में पहले कॉन्विक्ट हो गए जेल में। अमन सिन्हा जल्दी से सर, बंगारू लक्ष्मण पे भी टिप्पणी दे दे। रूबिका जी बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाई सुबह सुबह आपने जी न्यूज पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुक्तिनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे ही कर्नाटका में भी कांग्रेस से मुक्ति मिलेगी वहाँ की जनता को, क्योंकि कर्नाटका जिस तरह से 5 साल में कर्नाटका का एक तरह से विनाश किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो सभी के सामने है। और जहाँ तक हमारे मित्र तहसीन जी जो प्रश्न कर रहे थे नागालैंड के बारे में, मुझे नहीं लगता उन्होंने नागालैंड का जो पैक्ट है वो पढ़ा है। और कांग्रेस पार्टी का अगर ये ऑफिशियल स्टैंड है कि हर जगह झंडा होना चाहिए अलग, हर प्रदेश का अलग अपना गान होना चाहिए, तो उसको ऑफिशियली ये बात कहनी चाहिए। और मुझे लगता है ये देश को तोड़ने का काम है, जोड़ने का काम नहीं है। और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था जिसके तहत वहाँ अलग निशान है, वो भी कांग्रेस पार्टी का ही योगदान है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटका में आज जो लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। और कांग्रेस पार्टी का डेस्परेशन जो है और एंग्जाइटी वो आप सबके सामने वो सबको दिख रहा है। बिल्कुल, और दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। दो बड़ी खबरें, कर्नाटक में वोटिंग एक तरफ जा रही है और दूसरी तरफ नेपाल के मासांग जिले में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा मुक्तिनाथ मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। ये बताया जा रहा है भगवान विष्णु की पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे भी मान्यता है कि भगवान विष्णु को शाप से मुक्ति मिली थी, इसलिए मुक्ति धाम के नाम से ये जगह प्रसिद्ध हुई। देवी वृंदा के शाप से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसको मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु का खूबसूरत मंदिर पहाड़ियों के बीच ये बसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। और यहीं पर मुक्तिधाम मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, वहां पर प्रार्थना करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस से मुक्ति की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का आखिरी दिन है, ये लोगों से मुलाकात करते हुए, ये वहां के पुजारी से मुलाकात करते हुए, इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर का भी वो दौरा करेंगे, इनफैक्ट दर्शन करेंगे, वहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सबको अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ पर लोग भी मौजूद है मुक्तिनाथ मंदिर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वहाँ लोग देखिए लाइन से खड़े हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। इसे कहते हैं धार्मिक डिप्लोमेसी का ट्रेंड सेट करना।
वैसे ये धार्मिक डिप्लोमेसी जो है, मुझे नेपाल की बात अलग है, लेकिन ये जो है कर्नाटक में भी धार्मिक डिप्लोमेसी हुई, इतनी हुई कि राहुल गांधी को भी वो डिप्लोमेसी करनी पड़ गई, या ये कहिए कि पॉलिटिक्स करनी पड़ गई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से आप सबका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ गौरव भाटिया प्रवक्ता है बीजेपी के, आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तहसीन पुनावाला फाउंडर यूथ फॉर कांग्रेस के यहाँ नोएडा में हमारे साथ है। शहजाद पुनावाला राइटर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहाँ नोएडा में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अनिल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। स्मिता प्रकाश एडिटर ANI की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देवाशीष जरारिया हमारे साथ जुड़ गई, इनफैक्ट स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई है। स्मिता गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्मिता जी। धार्मिक डिप्लोमेसी है, धार्मिक पॉलिटिक्स है, टेम्पल रन है, ये कर्नाटक में कितना काम आने वाला है? देखिए कर्नाटक की जनता मुद्दों पर वोट देने वाली है, उन्होंने बहुत प्रयास किया, योगी आदित्यनाथ को इंपोर्ट कर करके ले गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने जो पुराना काम था, जो प्रवचन सुनाते थे, वो प्रवचन सुनाए उन्होंने वहाँ जनता को बहुत। और जो देश की पॉलिटिक्स है उसमें योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इतना करने का कि केवल धार्मिक बातें कर ले। तो ऐसी धार्मिक बातों को भाई इम्पोर्ट ही तो है। क्या ये शब्द जो आप लोग अभी प्रधानमंत्री के लिए भी सिद्धारमैया का इम्पोर्ट जो है इंडिया इम्पोर्ट का आप लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं कर्नाटक अभी बताइए कि अभी तक हमें पता नहीं था हनुमान जी कहाँ के। नहीं नहीं हमें ये भी नहीं पता था हनुमान जी कहाँ से आते हैं। पहली बार बताया गया हमें कि हनुमान जी कर्नाटक से आते हैं। तो ये तो अद्भुत। बहन जी कहाँ से आते हैं? अरे बहन जी हनुमान नहीं है ना। अरे पर वो भी तो गई चुनाव प्रचार करने, तो वो इम्पोर्ट नहीं है। वो वहाँ पे मतलब वो बेल्लारी में पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई बताइए ना हमको आप। राहुल गांधी भी इम्पोर्ट है क्या फिर? नहीं नहीं बहन जी फूलपुर चुनाव नहीं आ रही है, बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस हेल स्टॉर्म में कितने लोग मरे जरा बताइए शहजाद जी, कितने लोग मरे उसी दिन जिस दिन कर्नाटक का प्रचार कर रहे थे? 43,000 लोग तो आगरा के लिए मर गए। तो आप मुझे एक बात बताइए उस समय भाई एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य की जनता मर रही है वो खुद जाकर राज्य में तो जो देश में पैदा नहीं हुआ राजनीति में वो क्या कह रहे हैं कि उनके स्टेट में अगर कुछ हो रहा है और वो दूसरे स्टेट में वोट मांगने जा रहे हैं। और बहन जी का स्टेट नहीं रहा उत्तर प्रदेश, बहन जी शिफ्ट हो गए कर्नाटक। बहन जी का कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है क्या? बहन जी अगर होती सीएम है तो उनकी जवाबदारी होती। सीएम नहीं है तो कोई जवाबदारी भी नहीं है। अच्छी बात है, लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय बहन जी पावर नहीं तो आप अपने योगी आदित्यनाथ कर्नाटका जाते प्रवचन देते किस तरह से गुड गवर्नेंस होना चाहिए, जब उनके वहाँ लोग शहीद हो रहे थे उस थंडर स्टॉर्म के अंदर, लोग मर रहे थे और सीएम की साफ की जरूरत वहां पर थी। बहन जी ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अभी है और तब भी बहन जी वापस गई, उन्होंने मदद किया, तब भी सारे उत्तर प्रदेश के लीडर उन्होंने मदद किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिनका धर्म है वहां रहना, वो यहाँ आकर प्रवचन दे देते किस चीज पर? गुड गवर्नेंस पर। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बच्चे मरते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बच्चे इस साल भी 100 से ज्यादा। मॉरल शब्द से आपको बहुत प्यार है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी नाम की भी चीज है। राहुल जी अमेठी गए, आपको डर क्यों लग रहा है कि अरे राहुल गांधी खुद अमेठी और रायबरेली सुनिए ना रूबिका जी, तहसीन पूनावाला जी को जरा याद दिला दीजिए गीता जी की, गुजरात में जब जनता बाढ़ से जूझ रही थी तो वहाँ के विधायकों को कैसे भगा के कर्नाटक में याद दिलाता हूँ। फिर सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आपके थे, बाढ़ क्यों आई? आपका तो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था ना, ये कौन सा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? एक छोटी सी बाढ़ से बाढ़ आगे डेवलप है, उसमें 20% का आपने वो लिया था कमीशन, 20% का कमीशन लिया था कि ड्रेनेजेस के अंदर कि थोड़ी सी बारिश आई बाढ़ आ गई गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कैसे गुजारे 20 साल से सरकार आपकी, हर साल बाढ़ आता आप जाके केंद्र सरकार के पैसे, फिर आप समर में जाते ड्राउट में पैसे लेते, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, नाव लेके निकले, बारिश हुई है बेंगलुरु
अरे मुझे यहाँ यहाँ तक का पानी था। मैं जवाब देता, अभी आपको गुजरात याद आ रहा है? उन्होंने गुजरात का मुद्दा उठाया। मैं बेंगलुरु की बात कर रही हूँ। मैं आता हूँ, उन्होंने गुजरात, उन्होंने गुजरात का मुद्दा उठाया। गीता जी, हर बारिश में आपकी गुजरात की सरकार जाती, केंद्र सरकार नहीं, नहीं, सरकार के तौर पर गौरव भाटिया हमारे साथ थे। इसके बाद हर समर में आती, अब ड्राउट का क्या करते हैं? ड्राउट के भी पैसे लेते हो आप लोग, बारिश के भी। ठीक है, डॉक्टर गीता भट्ट, एक मिनट शहजाद, एक मिनट डॉक्टर गीता भट्ट, एक मिनट, हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले क्या हम एम्बियंस दिखा सकते हैं? जिस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर बज रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही मधुर संगीत होगा। ठीक है, एम्बियंस नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा एम्बियंस के लिए इंतजार करना होगा। गौरव भाटिया, आपका एम्बियंस आ रहा है सर, बताइए। रूबिका, एक बात स्पष्ट हो गई है कि जहां 5 साल सरकार कांग्रेस की थी कर्नाटका में, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक दो उपलब्धियां जरूर गिनवा देंगे सिद्धरमैया जी, लेकिन बार बार पूछने पे भी अपना रिपोर्ट कार्ड विकास का दीजिए, सिद्धरमैया क्या बता पाए? उन्होंने बताया कि 5 साल सोने के बाद लिंगायत को माइनॉरिटी स्टेटस मिले, ये क्यों किया? कि हिंदू हिंदू से लड़े और उनका वोट जो है वो बट जाए। लेकिन यहाँ मुसलमान वोट की बात आई या माइनॉरिटी वोट की बात आई, तो आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद अपील करते हैं, और कल भी हमने देखा कि सारे लोग एक हो जाओ और भाजपा को जो है यहाँ पे शासन ना करने दो। ये अपने आप में दर्शाता है कि विकास के मुद्दे पे और जनसेवा में उनके पास आज 2 उपलब्धियां नहीं है। दूसरी बात जो बड़ा मुद्दा है, किस तरह से आप PFI SDPI से सपोर्ट लेते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के टेरर लिंक्स हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस किसी भी हद तक गिर जाएगी अगर उसको सत्ता में बने रहना है। मुक्तिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और चूंकि पहाड़ी पर स्थित है वो मंदिर, वो पूरा ट्रैक करते हुए उस इलाके उस मंदिर तक पहुंच रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं साफ तौर पर दिखती हुई। स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई है, एडिटर है ANI की। स्मिता जी, आप बहुत लंबे वक्त से कर्नाटका में डेरा डाले हुए हैं, वहाँ के खाने से लेकर, वहाँ के मठ दर्शन से लेकर, वहाँ की पॉलिटिक्स से लेकर, एक एक बात पर आप जो है लोगों को इन्फॉर्म भी कर रही हैं, ट्वीट भी कर रही हैं। हालांकि अच्छा खासा वक्त हो गया, आज आपने एक भी ट्वीट नहीं किया। आर यू वेटिंग फॉर समथिंग न्यू? वेटिंग फॉर पीपल टू कम टू वोट, क्योंकि वहाँ पे बारिश, मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि खूब बारिश होने वाली है बहुत सारे इलाकों में, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वोट का, ये देखने को है। और दूसरा, ये जो प्रधानमंत्री मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैसेट है। इट्स ट्रू कि ये तीसरी बार नेपाल जा रहे हैं प्रधानमंत्री 2014 के बाद, लेकिन इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिकली भी पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी हो के आई हैं कर्नाटका, वहाँ पर जो लिंगायत कम्युनिटी है उनके लिए दे आर शिव वर्शिपर्स, शिव जी के भक्त हैं वो, तो उनके लिए शिव मंदिर में जाना, प्रधानमंत्री का शिव मंदिर में जाना एक अहमियत रखता है। आज जब वो वोट डालने से पहले जब टीवी देखेंगे तो पहले ये विजुअल्स देखेंगे। आपको याद होगा जब राहुल गांधी भी कर्नाटका में थे, उन्होंने कहा कर्नाटका इलेक्शंस के बाद मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाऊँगा। अब जाते वो, लेकिन अनाउंस ज़रूर किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो है वहाँ पर कोई देर इज़ नो डेटी, कोई मंदिर नहीं है शिव जी का, लेकिन उसे एक शिव जी का अबोर्ड माना जाता है कि वहाँ पर शिव जी रहते थे, उनका घर था या जो भी, वहाँ पर उन्होंने ही प्रैक्टिस्ड हिज फेथ देयर। तो इसलिए शिव जी जो हैं वो एक 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 आइडल के रूप पर, एक गाइडिंग फोर्स के रूप पर लिंगायत कम्युनिटी पर, हिंदू कम्युनिटी पर ज़रूर उनका असर है। और इलेक्शन के दौरान आप इलेक्शन और पॉलिटिक्स को कर्नाटका में रिलीजन और आइडियोलॉजी से अलग नहीं कर सकते। वहाँ के जो मठ अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो मठ अधिकारी हैं, उन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत होता है वोटर्स पर। क्योंकि ये देखिए हमारे साथ माते महादेवी जो हैं, पहली महिला आप कह सकते हैं, मैं मठाधीश अगर शब्द का इस्तेमाल करूं तो पहली महिला मठाधीश जो है हमारे साथ जुड़ गई है। माते महादेवी, मुझे यकीन है कि आपको याद होगा जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब मेरी मुलाकात आपसे वहां कर्नाटक में हुई थी, और आप जो है औरंगाबाद के लिए निकल रही थी, और हमने एक 1-to-1 किया था, और तब मैं बड़ी प्रभावित हुई थी, आप क्या शानदार हिंदी उस वक्त बोल रही थी। अभी जो ये तस्वीरें आप देख रही हैं माता महादेवी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दर्शन कर रहे हैं और ये विष्णु के अवतार का वो मंदिर है नेपाल में, मुक्तिनाथ मंदिर। तो जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो वो पहला थॉट माते महादेवी आपके आपको क्या आता है? नरेंद्र मोदी जी इज ए वेरी डिवोटेड मैन, सो ही इज फॉलोइंग हिंदुइज्म, दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग द दर्शन इन मुक्तिनाथ मंदिर। सो माते महादेवी, बट मोदी जी, बट आया आपका, मैं बट का इंतजार कर रही थी आपके। बट मोदी जी व्हेन ही केम टू Karnataka, he delivered some lectures that our Karnataka government has recognized Lingayatism as an independent religion. Ji. And also our government has recommended for religious minority. माते महादेवी, पर मुझे पता है बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं और इसीलिए आई एम गोइंग टू इंसिस्ट यू टू स्पीक इन हिंदी, बिकॉज यू नो आवर व्यूअर्स आर हिंदी व्यूअर्स एंड आई नो यू स्पीक वेरी गुड हिंदी, आपको आती है, थोड़ा थोड़ा चलेगा। मुझे हिंदी, ओके थोड़ा तो। नरेंद्र मोदी जी एक भक्तिवान मनुष्य है, भक्तिवान मनुष्य है और हिंदू धर्म का अनुयायी है, इसलिए वो मुक्तिनाथ मंदिर को गए हैं और दर्शन ले रही है। मोदी जी व्हेन ही केम टू, मोदी जी अब कर्नाटक में आए थे ना, तब क्या लेक्चर्स में ए फ्यू पॉइंट्स बताया। कर्नाटका गवर्नमेंट मान्यता दे है लिंगायत धर्म को, स्वतंत्र धर्म का मान्यता दे है और सिफारिश किए है धार्मिक अल्पसंख्यात लोगों को सौलभ्य पाने के लिए, ये वास्तविक है। लेकिन मोदी जी ने बताया कर्नाटका गवर्नमेंट लॉलीपॉप दिया है, इट्स ओनली सूडो इन दिस, ही बताया। ये बात अच्छा नहीं है। अच्छा, क्योंकि लिंगायत धर्म 12वीं शताब्दी में स्थापन हो गया है। जी, 900 महादेवी, मैं समझ गई, आप ये कह रहे हैं कि अलग धर्म का दर्जा सिद्धरमैया ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मीनाक्षी लेखी हमारे साथ जुड़ गई है, मीनाक्षी लेखी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। मीनाक्षी लेखी जी, आप सुन रही थी, माते महादेवी हमारे साथ हैं, लिंगायतों की धर्मगुरु हैं, मठाधीश एक तरीके से। जो लॉलीपॉप शब्द का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, उस पर आपत्ति है कि लॉलीपॉप नहीं है दरअसल, ये लिंगायतों की मांग थी अलग धर्म के दर्जे को लेकर। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो लिंगायत के अलावा बाकी देशवासी और बाकी हिंदू धर्म के अनुयायी भी बहुत सब लोग मानते हैं। बसवेश्वरा जी ने, हमारे यहाँ पे एक परंपरा रही है कि हम जो है अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स लाते रहे, समाज में बदलाव लाते रहे, धर्म में हर एक को स्वेच्छा से जिस मर्जी भगवान की पूजा करने का भी अधिकार है, तो किसी उस तरीके की बहुत ज़्यादा कड़ी उसमें बंधे हुए लोग नहीं है जंजीरों में। और अगर लिंगायत को अलग धर्म घोषित करना था तो 2012 में जब सिद्धारमैया की सरकार आई तो तब घोषित कर देते। ये ठीक चुनाव से पहले इन्होंने ये काम किया, जिसके ऊपर कोर्ट का, बाकी लोगों का और सरकार का, जब इनकी अपनी सरकार थी उसका भी ऑलरेडी एक ये मत आ चुका है कि इसे हिंदुओं से अलग नहीं किया। इस पर मैं जवाब लूंगी मीनाक्षी जी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज की अपनी ड्रेस और अब वो पहुंच चुके हैं एकदम मंदिर के सामने हैं,
भगवान सालिग्राम जो है उनकी पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये रेड कलर की जैकेट में आप उनको देख रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी बहुत ठंड है, वहाँ बहुत ठंड है, आप देख रहे हैं वो बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, तो आप समझ सकते हो। और ऊपर चल कर गए, वो अच्छा खासा उन्होंने ट्रैक किया है और उसके बाद वहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो मुक्तिनाथ मंदिर पहुँचे हैं। विष्णु के अवतार की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये लगातार सबसे बड़ी कवरेज है। आप इस बात को समझिए कि कर्नाटक चुनाव जो है इस वक्त हर किसी के जहन में, हर किसी के मन में है। और उधर नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा की लाइव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवान चलग्राम की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये पूरे विधि विधान के साथ एक तरीके से पूजा कर रहे हैं। और भगवान विष्णु को मुक्ति मिली थी, इस वजह से मुक्तिनाथ मंदिर इसको कहा जाता है। नेपाल से लेकर कर्नाटक तक शहजाद पुनावाला कुछ कह रहे हैं। हाँ। माते मासे सिर्फ एक आशीर्वाद रूप में सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो भाव था वो बोलने का ये था कि सिर्फ ये वो छोटी चीजें मत करो, एक लिंगायत बेटे को इस महान राज्य का प्रधान बनाने का जो है काम कीजिए। तो क्या माते माँ आशीर्वाद देंगी कि एक लिंगायत का बेटा, वहाँ की कर्मभूमि के का बेटा जो है वो इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करे? क्या उनका आशीर्वाद एक लिंगायत बेटे पे रहेगा? माते महादेवी आप आशीर्वाद दीजिए उनको। येडियुरप्पा लिंगायत धर्म में पैदा हुआ है लेकिन आचरण में, तत्वों में वो लिंगायत नहीं है। शहजाद भाई को जवाब मिल गया शायद। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हैं माता जी। ये 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 इसको टॉलरेंस कहते हैं, इसको टॉलरेंस कहते हैं कि उनको अगर आप पत्थर भी मारते हैं तब भी वो लिंगायतों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसा टॉलरेंस सब में होना चाहिए। अब आप देखिए ये टॉलरेंस दूसरों में तो नहीं है। अच्छा मीनाक्षी देख लीजिए, हमारे साथ सिर्फ 10 ही मिनट के लिए हैं और फिर उसके बाद उनके बाकी कमिटमेंट्स हैं। इसीलिए मीनाक्षी जी ये बताइए, ये जो ये हम टेंपल रन पे सच में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मठों के दौरे हुए हैं, ये जो मंदिरों के दौरे हुए हैं, जो दरगाह में जाकर और चादरें चढ़ाई गई हैं, इसका आपको लगता है वाकई बहुत असर पड़ने वाला है कर्नाटक के चुनाव में? देखिए कर्नाटक जो है वो हमारे सेंट्स की और इन सब की भूमि रही है, जहाँ पर पुरंदासा जी, कनकदासा जी, बसवेश्वरा जी, इस तरीके के बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट और साधु संतों ने जन्म लिया। ऐसी भूमि पर अगर आप SDPI और PFI को बढ़ावा देते हैं वो कोई भी धर्म के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समन्वय के साथ समाज में जो सामाजिक स्थायित्व होना चाहिए उस पर काम करने वाले लोगों को लोग पहचानते हैं। धर्म को केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, मगर आपका अगर उसमें विश्वास है, किसी भी चीज में आपका विश्वास है, आप उसके अनुयायी बने। नहीं, अभी क्या चल रहा है ये? कहाँ पर मीनाक्षी जी, क्या चल रहा है अभी ये? ये भक्ति चल रही है इसका कर्नाटक चुनाव से क्या लेना देना इससे? अरे तो प्रधानमंत्री नेपाल जाके वहाँ कूटनीति की बातें ना, तो दुनिया में तो इतने सारे नेता है, सब क्या कर रहे हैं घर में, हम क्या देख रहे हैं क्या? पूजा पर हम एक तो हम तो हम धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, हम कैसे भटक रहे हैं यहाँ पर? तो यही चल रहा है, तो लोगों का मंदिर जाना बंद कर रहे हैं। जब आप पूछ रहे हैं मंदिर सब मीनाक्षी जी से, मैं आपको ये जवाब देना चाहती हूँ कि कर्नाटक में चुनाव हो या ना हो, अगर प्रधानमंत्री जी किसी भी यात्रा पर हैं विदेश में या देश में, और जो भी वहाँ का धर्म स्थल है वहाँ पर वो जाते हैं, और ये मुक्तिनाथ मंदिर अभी तो गए तो हैं। अब ये भी फिक्स था क्या देवाशीष? वो धार्मिक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, चुनाव से लेना देना नहीं कुछ भी। मैं आपसे बस इतना सुनना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, हाँ बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ और दोबारा दोबारा बार बार कहना चाहती हूँ कि जैसा कि साध्वी जी ने कहा
कि प्रधानमंत्री भक्ति से भरे हुए एक धार्मिक व्यक्ति है और वो जिस भी देश प्रदेश में जाते हैं वहां के मंदिरों में जाना, मठों में जाना, उनकी उनके अंदर की आवाज है और वो इसको पूरा करते हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है आपको जाना है, पर थैंक्स अ लॉट जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। 8:21 हो रहे हैं और फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप मथुरा में रहते हैं तो भी कर्नाटक चुनाव आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बनारस में रहते हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, बेंगलुरु में रहते हैं तो इम्पोर्टेंट है ही। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 के चुनाव ठीक वहां सामने खड़े हैं और ये वो द्वार है जहां से ये तय हो जाएगा, ये वो सिंहासन है जहां से ये तय हो जाएगा कि 2019 के लिए कौन सबसे पावरफुल है। और इसीलिए कर्नाटक के चुनाव की एक एक डिटेल आपको जाननी है। और उधर नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल साइड में मेरी तस्वीरें चल रही है रेड जैकेट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विधान के साथ मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आप नजर आ रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ा पैनल है हमारे पास, बहुत बड़ा पैनल है कर्नाटक के चुनाव को बहुत तरीके से हर लिहाज से समझाने के लिए। स्मिता जी आप बहुत कायदे से सुन रही थी माता महादेवी जब अपनी बात रख रही थी, देयर वाज अ स्माइल आल्सो, क्योंकि जरूर आप कुछ ऐसी चीजें समझ रही थी। लिंगायत जाएगा कहां, आज भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। अलग धर्म का दर्जा मिल गया तो अपनी लॉयल्टी चेंज कर देगा ये समाज? लिंगायत कम्युनिटी को एक अलग धर्म मिलने का जो इशू है अब ये चलता रहेगा, ये जो इशू है ये हटने वाला नहीं है, ना ही अगले जनरल इलेक्शंस पर और अगले इलेक्शन स्टेट इलेक्शन। वो कुछ कह रही हैं? नहीं, वो आपकी बात सुन रही है अभी तो बसवेश्वर जी सिर्फ समाज सुधारक नहीं है, ये नया धर्म का संस्थापक है। नया धर्म लिंगायत नया धर्म है, इसका संस्थापक है। और हम लिंगायत लोग शिव जी का पूजा नहीं करते हैं, हिंदू देवताओं को पूजा नहीं करते हैं, हम सिर्फ भगवान सृष्टिकर्ता परमात्मा को पूजे करते हैं। परमात्मा और सर्वव्यापी सर्वशक्ता सर्वज्ञ उसका पूजा हम करते हैं। हम शिव जी का और लक्ष्मी सरस्वती रामकृष्ण पूजा नहीं करते हैं। यह लिंगायत धर्म नया धर्म है, नया धर्म इधर एक देव उपासन, इसमें एक देव उपासन है जी। और जाति भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताई जा रही हैं। वसुवन्ना ने वही वो जो वचन रखे थे उनकी बात माते महादेवी कर रही हैं। ये बहुत और ये जो बातें कही गई हैं ये बहुत लिंगायत धर्म लिंगायत लोगों के साथ बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। कुछ मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि स्मिता जी खुद वहाँ बेंगलुरु में है माते महादेवी, और वो जानी मानी पत्रकार है, ANI की एडिटर है, और वो भी लिंगायत को लेकर और कर्नाटक के चुनावों को लेकर बहुत स्टडी कर रही हैं। तो मैं एक बार उनसे बात कर लेती हूँ और उसके बाद सचिन भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहाँ बेंगलुरु में, उनका रुख करेंगे। स्मिता जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी मैं ये कह रही थी कि ये जो लिंगायत का जो इशू है ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि अभी इन्हें स्टेटस मिला नहीं है। तो इन जो चाहे कांग्रेस की सरकार आए या फिर बीजेपी की सरकार जो भी या कोलिशन आए, ये अगले जनरल इलेक्शन तक ये इशू जारी रहेगा और इस पे पॉलिटिक्स चलता रहेगा। तो अब इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया लिंगायत इशू पर, बसवेश्वरा पर ज़रूर बात की इन्होंने और सिद्धरामैया ने भी जब शुरुआत में इन्होंने किया ज़रूर कि इनको सेपरेट दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि लिंगायत कम्युनिटी खुद डिवाइडेड है, चाहे वीरशैवा हो या लिंगायत इशू हो, इनमें पोलिटिकल डिविजन्स है। तो अभी जो रिलीजियस यूनिटी है वो पोलिटिकल डिविजन्स की वजह से अलग हो गए हैं और ये जारी रहेगा एक पूरे साल तक जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता। कोई भी सरकार उन्हें अलग दर्जा देने के लिए एटलीस्ट इस साल कोई नहीं देगा बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस अगले साल। अभी प्रधानमंत्री इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे जहां का जो हेड प्रीस्ट है वो कर्नाटका का है।
क्या ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था या फिर प्रधानमंत्री 3 बार जा चुके हैं, पशुपतिनाथ मंदिर भी जा चुके हैं, तो इसको अगर देखें क्या प्रधानमंत्री के मन में जहन में अभी भी कर्नाटका की चुनाव है या फिर कंप्लीट प्योर भक्ति भाव से जा रहे हैं, ये कोई नहीं कह सकता, सिर्फ प्रधानमंत्री इसका जवाब दे सकते हैं। स्मिता जी गुड मॉर्निंग, तहसीन योर। नहीं देखिए, एक चीज़ है वज़ीर आज़म जाए मंदिरों में जाए, मस्जिदों में जाए, चर्च में जाए, उन्हें जो करना है करे, लेकिन एक चीज़ जो बहुत मुझे डरावनी लगती है नेपाल के अंदर जो हो रहा है, और ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वज़ीर आज़म रहते हुए पहली बार हमारी एम्बेसी में नेपाल में बॉम्बिंग हुआ, उस पर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के सामने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे चाइना के साथ भी, उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं। हम जो ये कर रहे हैं ये ठीक है, अब वजीर आजम करे, इनका श्रद्धा है, उसको पूरी आज़ादी और करना भी चाहिए, लेकिन जो हमारा मुख्य है कि नेपाल जो हमारा एक भाई मित्र देश है, एक मित्र देश है, वो आज चाइना की ओर जा रहा है, उस पर हम क्या कोई विचार क्या हो रही है, फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स हो रही है साउथ ईस्ट एशिया में, उस पर अगर चर्चा हो, प्रधानमंत्री को उसके लिए अकाउंटेबल अगर रखा जाए तो आई थिंक ज़्यादा। क्या मैं जवाब दूं तहसीन? प्लीज मैं जवाब दूं। देखिए, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो नेबरहुड फर्स्ट प्रधानमंत्री या मोदी गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। अब अगर आप देखें कि हम इंडियंस को ये खटकता है कि नेपाल जो है वो चाइना की तरफ रुख कर रहा है,